हमारे समाज में विधवा स्त्रियों की कितनी भयंकर स्थिति तथा ना होती रहती है आए दिन कोई ना कोई स्त्री विधवा होती है ऐसी हजारों विधवाएं समाज में फैली हुई कुरीतियों की शिकार बनती हैं समाज में एक विधवा स्त्री को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता उसे अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है यह दुख दर्द भोगने के पीछे समाज का ही हाथ होता है विधवा स्त्रियों को अशुभ मानते हैं हालांकि विधवा होने में उस मासूम स्त्री का कोई हाथ नहीं होता है उसे अलग थलग क्यों समझा जाता है समाज में विधवा स्त्री के बारे में कितनी बातें फैलाई जाती हैं उससे घर के बड़े छोटे बात बात पर प्रताड़ित करते हैं और अपमानित करते हैं यह है एक स्त्री का घोर अपमान है इसकी कम कुछ सोच को कोई पंख नहीं होते बिना सरपाओं के ही आकाश में उड़ते हैं तथा विधवा स्त्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते अंध सर में डूबे लोग एक स्त्री को दुख दर्द को कम तो नहीं करते लेकिन और बढ़ा देते हैं यह समाज कब सुधरेगा अपने भारत देश में विधवा स्त्री की विनमना क्यों होती है एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं तब कोई नहीं होता सगे संबंधी रिश्तेदार कहीं बहन बेटी अपने गले ना पड़े यहीं डर से उसे वह पहले ही कन्नी काट लेते हैं या अगर उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरन पर जीती है कभी वही बेटी बहन बहुत प्यारी होती लेकिन विधवा होते ही सबकी नज़रें बदल जाती हैं यहाँ कई ऐसी संस्कृति हैं यह है कौन सी परंपरा है हौसला अफजाई सभी करते हैं कहते हैं अब अपने बाल बच्चों को और ध्यान दो तुमको हौसला रखना चाहिए दुख तो उसे संभालने की शक्ति भी ईश्वर देगा और कम ज़्यादा हुआ ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए कभी भी रहें तैयार रहेंगे कम से कम साल भर लोग रिश्तेदार ऊपर ऊपर फोन करके या आकर धीरज बनाते हैं उसके बाद सच्ची विधवा स्त्री की परीक्षाएँ शुरू होती हैं किसी से या सरकार से मदद की अपेक्षाएं करती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाती दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती है तब सब भी समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए तथा छिप छिपा कर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते क्यों नहीं समझता समाज विधवा स्त्री कोई खिलौना नहीं जीती जागती एक करुणामय स्त्री है उसके पास भी मन हृदय दया माया सब कुछ है लेकिन उसके जीवन में महादशा क्यों होती है जब वह विधवा हो जाती है तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती है हालांकि लोग बाग उसके दुख दर्द दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फायदा उठाने की बात ही होती है लेकिन भलाई की बात करते हैं एक विधवा की इज्जत को मटियामेट कर क्या भलाई करना चाहते हैं यह सब दिखावा नाटक होता है अंदर एक बाहर एक होता है किसी भी विधवा स्त्री इस ने इसके लिए तैयार रहना चाहिए दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं ऊपर ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है हालांकि सच्चे सहारे की जरूरत होती है लेकिन सहारा ना देकर दुख दर्द की झोली में पड़ता है इससे तो अच्छा है कि खुद मेहनत कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करके किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है और विधवा स्त्री का मान भी बना रह सकता है किसी भी किसी भी हालत में अपनी इज्जत का सौदा कर किसी की मोहताज बनकर उस व्यक्ति के विषेले डंक से बचना चाहिए ताकि किसी के मदद या उपकार से पर स्वाधीन या दबकर जीवन जीना ना पड़े तथा अपना आत्म सम्मान ना बेचना पड़े आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता जहाँ कई नैतिकता ईमानदारी और वहीं पर काम किया जाना चाहिए चाहे कुछ पैसे कम हैं क्यों ना मिले इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा समाज में अपने आप को नीडर बनाना होगा छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर अपना घर परिवार चला सकती है पति तब तक जिंदा रहता है तब तक अपने पति को बाहर नहीं जाने देते ना अन्य कोई काम करने देते बड़े प्यार से प्रेम से उसे घर किरानी बना कर रखते हैं लेकिन कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना ही पड़ता है यह विचार पति के मन में क्यों नहीं आता वह पत्नी बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते कम से कम कुछ बीमा जैसी योजनाएँ या बैंक बैलेंस या घर बार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए उसे पहले ही बढ़ावा देकर काम काज व्यवहार सिखाना चाहिए मगर कुछ सोचे समझे आगे की सोच पति लोगों को नहीं होती अगर वह अचानक स्वर्ग सिधार जाता है तो खामिया जा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी है ना पेंशन है ना प्रॉपर्टी है ऐसी औरत क्या करेगी वाली स्थिति से जाहिर है वह कितनी परेशान रहती होगी जो अच्छे घर से हो जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो या कभी बाहर का व्यवहार नहीं किया होगा उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी पति तो एक ही बार उसे विधवा कर चला जाता है लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती है मैंने देखा है ऐसे स्त्री को जो घर की घर की हर एक चीज़ बेच बेच कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करती है और किसी से मद मदद की अपेक्षा अगर करती है तो बदले में वह उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है नीयत साफ़ ना होने के कारण नज़र उसकी जवानी पर होती है इन सब बातों से परेशान होकर उससे गुनाहगार सा लगता है उस विधवा स्त्री ने घर में ही खाना बनाकर स्कूल कॉलेज के बच्चों को तथा तो ऑफिस के लोगों को खाना खिलाया उसी ने उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना परिवार का पालन पोषण करती गई उसे सामान लाने बाज़ार जाना पड़ता सब्जियां तथा किराना सामान हर रोज़ ही लाना पड़ता था ना जाती तो कौन ला कर देता बच्चे भी तो छोटे थे वह सुंदर होने की वजह से सुंदरता ही उसके जी का काल बन गया था स्त्री के नज़दीकी लोग अड़ोसी पड़ोसी जब बाहर जाने लगी या कोई पर कोई पुरुष से बात कर ली हो तो उसे देखकर मन घड़त बातें सोचना शुरू कर देते हैं पुरुष का तो जाने ही दो कुछ एक स्त्रियां ही ऐसा करती हैं यह बहुत ही शर्म की बात है एक स्त्री होकर दूसरे स्त्री का दर्द नहीं जान सकती उसकी मजबूरियां नहीं समझ सकती जैसे वह उसके पति या भाई को भगा कर ले जाने वाली है इतनी कम कोत विचारधारा देखने को मिलती है कि इधर पहाड़ी इधर काई जैसी स्थिति एक विधवा की होती है उसका जीना दुभर हो जाता है यह क्लुषित भावनाएं पता नहीं समाज में कब खत्म होंगी और एक विधवा के कब अच्छे दिन आएंगे हमें चाहिए कि एक विधवा स्त्री को सच्चे मन से मदद कर उसे सच्चा मार्ग दिखाकर उसका हौसला बढ़ाएं वह विधवा स्त्री कोई भी हो सकती है अपनी माँ बहन भाभी पड़ोसी संबंधी या मित्र आज दूसरी स्त्री पर वक्त की मार पड़ी है तो कल वही मार हम पर भी भारी पड़ सकती है